नमस्कार दोस्तों, अजय थ्रेडर्स की और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, सोमवार को यानी 22 अगस्त को बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट के एनालिसिस आज हम करते हैं, उसमें क्या हमें दिख रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे कि बैंक निफ्टी लगातार कई वीक से वो अप ट्रेंड में बना हुआ है। 8 वीक से वो अप ट्रेंड में बना हुआ है, तो जाहिर है यहाँ पे 40,000 का लेवल भी है, तो एक रजिस्ट्रेशन तौर पे ऊपर क्या आ रहा है फ्रेंड्स। और जो 40,000 है, 41,000, 39,000 है, वो जो 1,000 वाला जो लेवल रहता है वो साइकोलॉजिकल रजिस्ट्रेशन रहता है। तो जाहिर सी बात है वहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे आ रही है। और आप यहाँ पे वीकली चार्ट में आप चेक करोगे तो यहाँ पे उसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है जो एक नेगेटिव कैंडल है, लेकिन ये वो एक्टिव कब होगी, उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का 38,000। अगर 38,000 के डाउन में जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये पूरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 38,000। अगर 38,000 के डाउन में जाएगा तो ये वहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं वन डे की चार्ट में क्या सिनेरियो बन रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के क्लोजिंग हुई है 38,985 के पास की क्लोजिंग हुई है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर चेक करोगे ये डेली का कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट लगाया हुआ है मैंने। आप यहाँ पर चेक करोगे तो ये जो पूरी कैंडल बनी है, ये पूरी बेरिश कैंडल बनी है, पूरे रेड कलर की है, वो पूरी बेरिश कैंडल बनी है फ्रेंड्स यहाँ पे आप। ओके, और ये उन्होंने लास्ट 3-4 डे का कैंडल को भी उसने कवर कर लिया है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं अब 15 मिनट में इंट्राडे में सोमवार को क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक कलर का लाइन जो जा रहा है वो 200 डीएमए का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लगाया हुआ है, तो उसके नीचे उसने क्लोजिंग दिया है। तो आइए देखते हैं अब सोमवार को क्या हो सकता है मैं इंट्राडे में। फ्रेंड्स, मैंने इंट्राडे में ये पूरा लेवल पहले से मार्क करके रखा हुआ है जो मैं आपको बता देता हूँ अभी। फ्रेंड्स, मैंने ये ड्रॉ किया है सोमवार के लिए नो ट्रेडिंग जोन, जिसका रहेगा 39,122 से लेकर 38,870। अगर फ्रेंड्स यहीं पे ओपन होने के बाद अगर डाउन की साइड में ये ब्रेक होता है, ये लेवल कौन सा लेवल 38,872 ब्रेक होता है, तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है डाउन की साइड में फ्रेंड्स, जिसका मैं प्राइस लेवल भी लगा लेता हूँ फ्रेंड्स, ये वाला 38,770 के करीब। और दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 38,650। और अगर उसको भी ब्रेक करता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में, तो ये जो गैप पड़ा हुआ है उस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकती है, जिसका लेवल आएगा डाउन की साइड में फ्रेंड्स 38,325। ओके, और अप साइड में फ्रेंड्स अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है 39,122, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है अप साइड में फ्रेंड्स 32,300। और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स अप साइड में 39,574 के करीब। और अगर फ्रेंड्स सोमवार को ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी, जैसे कि आप हम देख लेते हैं ग्लोबल सिनेरियो पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे डाउ जोन्स और डेक्स पूरे माइनस में क्लोज हुआ है लास्ट फ्राइडे को, और एक्सिस निफ्टी भी -85 पे क्लोज हुआ है, तो पूरे पूरी पॉसिबिलिटी है कि सोमवार को ये गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर गैप डाउन कितना ओपन हो सकता है फ्रेंड्स, अगर इस लेवल पे ओपन होता है, यहाँ पे इस जोन में ओपन होता है 300-400 पॉइंट, तो वहाँ पे हम कुछ प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। समझ लो उन्होंने यहाँ पे 15-20 मिनट 30 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, उसके बाद उसने ये रेंज बनाई, और उसके बाद अगर डाउन साइड में ये ब्रेक होता है तो पुट ले सकते हैं, और अप साइड में अगर जाता है तो 38,900 तक जा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। और वैसे ही फ्रेंड्स अगर गैप ओपन होता है बाई चांस इस लेवल पे, तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, उसके बाद जिस तरफ वो ब्रेक होती है वहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं अब निफ्टी में क्या हो सकता है फ्रेंड्स सोमवार को। फ्रेंड्स, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, आप वीकली चार्ट में आप चेक करोगे फ्रेंड्स, तो उन्होंने भी एक
ग्रेवी स्टोनडोजी के अंदर बनाई है, जो एक नेगेटिव पैटर्न है फ्रेंड्स यहाँ पे, और उसका सपोर्ट आ रहा है फ्रेंड्स। अगर आप चेक करोगे वीकली में, ये वाला एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है फ्रेंड्स वीकली चार्ट में। इसको ब्रेक करेगा तो सेलिंग प्रेशर इसमें भी बढ़ सकता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं अब वन डे की चार्ट में क्या हो सकता है निफ्टी में। वन डे की चार्ट में भी आप चेक करोगे कि यहाँ पे उन्होंने तीन दिन का प्रॉफिट, पूरी तीन दिन के कैंडल को उन्होंने कवर कर लिया है फ्रेंड्स, और ये एक बेरिश कैंडल बनी हुई है वन डे की चार्ट में। तो 15 मिनट की चार्ट में हम देख लेते हैं इंट्राडे सोमवार के लिए। फ्रेंड्स अगर किसी को न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उससे आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाया है 5 मिनट का 15 मिनट के सेटअप का, जो आप यूट्यूब चैनल पर जाके आप मेरी देख सकते हो। और अगर ये फर्स्ट टाइम कोई वीडियो देख रहा है, चैनल देख रहा है, तो उसको मेरा ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे 15 मिनट चार्ट में कि ये 200 कैस्पोनेंशियल मूविंग एवरेज का मैंने लाइन लगाया हुआ है, वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है। तो 15 मिनट की चार्ट में देखते हैं कि क्या हो सकता है फ्रेंड्स सोमवार के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने, आप चेक करोगे यहाँ पर मैंने लेवल लगा के रखा हुआ है फ्रेंड्स सोमवार के लिए, जिसको मैं आपको अभी बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने ड्रॉ किया है नो ट्रेडिंग जोन, और निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 17,758 पे, उसका क्लोजिंग हुआ है, और हमारा नो ट्रेडिंग जोन आएगा फ्रेंड्स 17,710 से लेके 17,821। अगर बाई चांस फ्रेंड्स इस जोन में ओपन होता है निफ्टी, उसके बाद 17,710 को ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 17,555, उसका दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स निफ्टी में। और अगर अपसाइड में फ्रेंड्स 17,821 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 17,870, और दूसरा टारगेट आ सकता है 17,950 के करीब जा सकता है निफ्टी। और अगर फ्रेंड्स जैसे कि हमने अभी देखा कि SGX निफ्टी माइनस में है, तो पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि अगर सोमवार को हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कुछ टाइम पे प्राइस एक्शन बनने का वेट करने के, या फिर शूटिंग स्टार के अंदर या फिर हैमर के अंदर का बनने का वेट करने के, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। हो सकता है सोमवार को ये इसी जोन में ओपन हो सकता है, 80 लंबी पॉइंट गैप डाउन ओपन हो सकता है, यानी इस लेवल पे हो सकता है, और यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाता है फ्रेंड्स या कंसोलिडेशन करता है, कुछ प्राइस एक्शन बनता है ऐसे, और प्राइस एक्शन बनता है उसके बाद जिस तरफ वो ब्रेक होता है उस तरफ हम कॉल या पुट बाई कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स अगर ज़्यादा गैप ओपन होता है, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि ज़्यादा गैप ओपन होता है तो वहाँ पे हम कुछ टाइम पे वेट करेंगे प्राइस एक्शन बनने का, उसके बाद वो जिस तरफ ब्रेक करेगा हम उस तरफ कॉल या पुट बाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।